हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपको हमारे इस किचन में। फ्रेंड आज मैं लेकर आई हूँ टमाटो सूप का रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ले लिया है आधा किलो टमाटर, उसको मैं चार भाग में कट कर ली हूँ इस तरह से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दो गाजर में ले ली हूँ, और एक प्याज और आधा बीटरूट है, और छोटा सा टुकड़ा अदरक का है, दो से चार मैं लहसुन का कली ले ली हूँ। यहाँ पर मैं इंडक्शन के पास आ गई हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं एक कुकर बैठा ली हूँ और मैं ऑन कर दी हूँ इंडक्शन को। उसमें मैं एक चम्मच डाल ली हूँ अमूल का बटर। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होगा, उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे कटा हुआ सारा जो हमारा सामान था, सब्जी, गाजर, प्याज, बीटरूट, लहसुन, अदरक, सब एक साथ मैं डाल दी हूँ। और यहाँ पर देखिए 10 से 12 में काली मिर्च के दाने भी डाल दी हूँ, क्योंकि सूप में बहुत ही ज़रूरी होता है इसको डालना। और उसके बाद दो तीन बार मैं चला ली हूँ एक दो मिनट के लिए। उसके बाद मैं जो टमाटर काट कर रखी थी उसको मैं डाल दी हूँ, और इसे भी एक बार हम इस तरह से चला लिए हैं। उसके बाद मैं स्वाद अनुसार नमक डाली हूँ, और आधा चम्मच टेस्ट के लिए मैं चीनी डाल दी। उसके बाद मैं मिक्स कर लूँगी, और मैं 10 से 15 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पर ढककर इस तरह से छोड़ दी थी। देखिए तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है हमारी टमाटर, देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। यहाँ पर मैं इंडक्शन बंद कर दूंगी, अब और बंद करके हमें इस टमाटर को बिल्कुल ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर मैं टमाटर को ठंडा कर ली हूँ, देखिए ठंडा करके और मिक्सी में पीस ली हूँ। इस तरह से मैं छान ली हूँ पीसने के बाद, देख सकते हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो निकल जाए। तो इस तरह से देखिए अच्छी तरह से मैं छान ली हूँ। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ पर गैस पर मैं एक कढ़ाई बैठा ली हूँ, उसमें मैं डाली हूँ एक चम्मच अमूल बटर, और एक तेज पत्ता को इस तरह से मैं तोड़ कर डाल दी हूँ। और मैं थोड़ा सा मैं बेसिल के पत्ते ले ली हूँ चार से पाँच, और उसके बाद जो पीस कर रखी थी मैं टमाटर उसको डाल दी हूँ। बेसिल के पत्ते सूप में डालना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड, उससे बहुत ही टेस्टी हो जाती है सूप। और आपके पास नहीं है वो बेसिल के पत्ते, तो आप उसके जगह पर तुलसी पत्ते डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं अपना थिकनेस के हिसाब से पानी डाल दे रही हूँ, आपको जितना थिकनेस रखना है उतना अपना हिसाब से पानी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद देखिए मैं फुल फ्लेम पर अब मैं बना रही हूँ, इस तरह से चलाते रहना है जब तक ना बॉयल आ जाए। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर नमक ऐड करी हूँ स्वाद के अनुसार, और एक चम्मच मैं टमाटो केचप डाल दी हूँ। टमाटो केचप से बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड ये टमाटो सूप जो था, से सबको बहुत अच्छा लगा था। तब एक बार बनाएंगे, उसके बाद आपको टेस्ट पता चलेगा कितना अच्छा लगता है, और गले के लिए तो और ही सही लगता है। गरम गरम अगर सर्दी जुकाम में भी आप इस तरह से बनाकर पीएंगे तो। और अगर चैनल पर नए आए हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना फ्रेंड, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना। तो यहाँ पर देखिए सूप में थोड़ा सा झाग झाग सा दिख रहा था, तो मैं उसको साइड साइड से निकाल ली हूँ। उसके बाद देखिए हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर मैं देखिए एक बाउल में निकाल ली हूँ, और मैं सर्व करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं सर्व के लिए निकाल रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था। इसके ऊपर से मैं एक बेसिल के पत्ते डाल दी हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर से क्रीम से गार्निश की हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा हमारा सूप बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड। वीडियो को लाइक देख बनता ही, वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो देखना। थैंक यू, बाय।